मुख्यमंत्री खट्टर की जनआशीर्वाद यात्रा का आज 12वां दिन है। अपने कार्यों और योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं वो, लोगों के बीच पहुंचकर उत्साह लोगों में भी है, कार्यकर्ताओं में भी है और बीजेपी भी उत्साहित है जन समर्थन देखकर। 18 अगस्त से शुरू हुई थी जन आशीर्वाद यात्रा, आज 12वां दिन है। सभी 90 हलकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री खट्टर। कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है, आज 12वां दिन जन आशीर्वाद यात्रा का। लोगों में भी उत्साह है, जब मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आने वाले चुनावों में एक बार फिर से कमल को चुने, ये बताते हैं कि किस तरह से प्रदेश का विकास किया है सरकार ने, क्या योजनाएं प्रदेश में लागू की है सरकार ने, किस तरीके से लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। अनिल कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, आज जन आशीर्वाद यात्रा का 12वां दिन है, काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, आज की यात्रा के बारे में जानकारी दे, क्या कार्यक्रम कहां से शुरुआत होगी? जी पूजा, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा का 12वां दिन है और आज 7 विधानसभा क्षेत्रों से मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा गुजरेगी। आपको बताऊं कि भिवानी से ये शुरू होगी, भिवानी होते हुए महम, भवानीखेड़ा, तोसा, नलवा, आदमपुर और हिसार में मुख्यमंत्री का आखिरी पड़ाव होगा, यानी कि मुख्यमंत्री हिसार में रात्रि विश्राम करेंगे। और भिवानी से आज यात्रा शुरू होने से पहले 8 विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री का आज ये कार्यक्रम रहेगा। जी अनिल, जिस तरह से हर हलके में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री इस यात्रा के माध्यम से, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चुने, और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह? चूंकि खुद मुख्यमंत्री जब उन लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनसे बात करते हैं और साथ ही हलके को तोहफा भी देकर जाते हैं, लोगों का रिएक्शन किस तरह से इस यात्रा को लेकर? जी पूजा, मुख्यमंत्री बड़े आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को पूरा आत्मविश्वास है, क्योंकि जो केंद्र नेतृत्व है मुख्यमंत्री के साथ है और केंद्र नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पर भरोसा दिलाया जताया है कि दूसरी पारी जो है मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में खेली जाएगी। और लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं लोग काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और सारे कार्यों को बता रहे हैं और इसके साथ साथ वो आगे की योजनाओं को भी बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। पूजा, एक बड़ी बात ये है कि कहीं भी मुख्यमंत्री का अभी तक बड़ा विरोध नहीं हुआ है, ये भी एक काफ़ी भाजपा के हक में जाता है। और मुख्यमंत्री जो है इस यात्रा के जरिए लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं, इसके साथ साथ जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनका भी आकलन कर रहे हैं, यानी कि एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री यात्रा तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ सरकारी कार्य को भी निपटा रहे हैं और जो 8 सितंबर को मुख्यमंत्री की यात्रा का समापन होगा वहाँ विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जाएगा, मुख्यमंत्री उसकी तैयारियों को भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है चारों तरफ अपना ध्यान कर रहे हैं ताकि हर काम को योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। जी पूजा, जनता के बीच में जब कल पहुंचे थे मुख्यमंत्री अपने यात्रा के 11वें दिन, तो हमने देखा कि बड़े ही आत्मविश्वास, चूंकि आपने जिक्र किया आत्मविश्वास का, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सीएम ने पूछा जनता से कि पहले जो पर्ची खर्ची का हिसाब किताब रहा करता था नौकरियों में, क्या अब वो है या नहीं? जनता से उन्होंने सवाल किया और जनता ने भी इसका बड़ा पॉजिटिव आंसर दिया, लोगों ने कहा कि अब नहीं होता ऐसा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री आश्वस्त हैं कि पर्ची खर्चे के बिना अगर नौकरी उन्होंने दिलवाने की योजना बनाई तो वो सुनियोजित तरीके से लोगों तक पहुंची है, अब कोई रिश्वत नहीं नौकरियों में। जी पूजा, बिल्कुल, मुख्यमंत्री जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है तब से वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कोई भी जो पैसे देने की अगर किसी अधिकारी ने या किसी ने पैसे लिए हों तो उसकी शिकायत तुरंत करें। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने ये भी
एक बड़ी ऑप्शन दे रखी है कि सीएम विंडो जो है उस पर अपनी शिकायत कर सकते हैं, वो शिकायत जो है सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री पहले दिन से ही कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर हर कार्य किया जाएगा, चाहे नौकरियां हो और चाहे अब लोकसभा उम्मीदवारों में जो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे उनका हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार जीतने वाला होगा मेरिट के आधार पर उसको टिकट दी जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है नेता उनके संपर्क में हैं और दूसरी पार्टी के नेता जो है छोड़ छोड़ कर भाजपा में आ रहे हैं। हालांकि ये एक बड़ी चुनौती भी मुख्यमंत्री के सामने आने वाले दिनों में हो सकती है जब टिकट का वितरण होगा, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल बड़े विश्वास के साथ चल रहे हैं। 75 के पार आंकड़ा कैसे हासिल करना है इस मुख्यमंत्री पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी पूजा, विपक्ष ये कह रहा था पहले अनिल की लोकसभा का तो इलेक्शन आपने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हाईजैक कर लिया, लेकिन विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं, लोकल मुद्दे होते हैं, और अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए, लोकल योजनाओं की बात की जाए, प्रदेश में जो योजनाएं लागू की खट्टर सरकार ने, जाहिर सी बात है कि चाहे वो पारदर्शी नौकरियों की बात हो या किसानों की बेहतरी की बात हो, उनको मुआवजे या पेंशन की बात हो, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिसके बिना पर सरकार लोगों के बीच में जा रही है और ये दावे कर रही है कि हमने जो काम किया वो आपकी बेहतरी के लिए किया है। जी पूजा, विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री पर निशाना साधे हुए है और विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अनुभवहीन है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना अनुभव सिद्ध कर दिया है, चाहे नगर निगम के चुनाव थे, चाहे उसके बाद जींद उपचुनाव था और उसके बाद लोकसभा चुनाव था, सभी में भाजपा ने जीत हासिल की है और मुख्यमंत्री ने अपना अनुभव भी सिद्ध कर दिया है और विपक्ष को आईना भी दिखा दिया है। पूजा आपको बता दूं कि जब तक धरातल पर कार्य ना किए हों तब तक जो है कोई भी मुख्यमंत्री जो है जनता के बीच में नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो उसको कड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बड़े आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं कि अगर मेरा 5 साल का कार्यकाल जो रहा है, अगर मेरा कार्य पसंद आया हो आपको तो आप मुझे वोट देना ताकि आगे भी विकास के कार्यों की गति इसी तरह से बढ़ाई जा सके। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अगले 5 साल की योजनाओं को भी बता रहे हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री जो है लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं और जहां विकास कार्य रुके हैं मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि तुरंत इनको पूरा किया जाए। आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और आत्मविश्वास की बड़ी वजह ये भी है क्योंकि बिल्कुल सब कुछ साफ है, ऊपर से भी अगर देखा जाए तो चाहे अमित शाह हो चाहे राजनाथ सिंह हो, उनकी तरफ से हरी झंडी सीएम खट्टर के लिए कि उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा, वही होंगे अगले मुख्यमंत्री, ऐसा भी प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, चूंकि पिछले 5 सालों में हर इलेक्शन सीएम खट्टर की अगुवाई में जीता गया है, उन्होंने अपने साफ सुथरी छवि का भी बेहतर नुमाइंदा उन्होंने पेश किया जनता के सामने, और कुल मिलाकर योजनाएं भी अच्छी हैं धरातल पर, ये सभी चीजें फेवर करती हैं सीएम के, सीएम को फेवर कर रही हैं। जी पूजा बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार जो विकास कार्य करवा रहे हैं और आगे भी जो शिलान्यास रख रहे हैं, लोगों का जो मुख्यमंत्री ने मन जीता है, इसलिए जो पिछले चुनाव जीते हैं भाजपा ने वैसे नहीं जीते। जब तक कोई मुख्यमंत्री कार्य नहीं करता तब तक जनता दोबारा उसको मौका नहीं देती। जनता तो मुख्यमंत्री को नगर निगम के चुनाव रहे हो, जींद उपचुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो, और मुख्यमंत्री में विश्वास जताया है और मुख्यमंत्री पर भरोसा जो है जताया है और आगे भी उम्मीद है कि जो है जनता भाजपा का साथ देगी, क्योंकि इस समय विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ है, जनता के सामने विकल्प भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनेलो है, पहले ही 2 फाड़ हो चुकी है, इनेलो से जजपा बन चुकी है और इनेलो के कई विधायक छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ जो कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो रोहतक में रैली की थी वहाँ एक तरह का घोषणा पत्र पढ़ दिया और उसके बाद ही हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ से कह दिया कि ये कांग्रेस की रैली नहीं है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि विपक्ष किस तरह बिखरा हुआ है
और मुख्यमंत्री को इसका फायदा मिलने वाला है, ये जो साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव है, चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि ऊंट किस करवट को बैठता है। जी पूजा, विपक्ष विरोध तो कर रहा है अनिल, लेकिन इस विरोध का कोई मायने नहीं है, क्योंकि जब विकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा विपक्ष तो विरोध का फायदा क्या? जी पूजा, इस समय जिस तरह पार्टियों की स्थिति है, मतदाता जाए तो जाए कहाँ, उनको भी एक सोचना है कि कहीं पार्टियां यूनाइट हो, जब भी उनके लिए विकल्प खुला रहता है कि दूसरा हम अगर भाजपा से विरोध है तो दूसरी पार्टी को मतदान कर दें। लेकिन विपक्ष की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो है विपक्ष की क्या स्थिति रहती है। और भाजपा की स्थिति तो साफ नजर आ रही है, जिस तरह से अभूतपूर्व जनता उनका स्वागत कर रही है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं पर भी जो है सीधा उनको बताते हैं कि उनकी ताकत क्या है, उनको बताते हैं कि कार्यकर्ता है तो मुमकिन है, यानी कि कार्यकर्ता अगर गंभीरता से चीज को लेगा तो निश्चित है कि पार्टी जो है आगे बढ़ेगी, पीछे हटने का नाम नहीं है। और मुख्यमंत्री सीधा संवाद जो है, चाहे पन्ना प्रमुख हो चाहे कार्यकर्ता हो, सीधा करते हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री फीडबैक भी लेते हैं कि अधिकारी क्या कार्य कर रहे हैं और कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला है और हर विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री सीधा कार्यकर्ताओं से पूछते हैं और उसका समाधान करने का भी प्रयास करते हैं, और जिसकी वजह से आज भाजपा इस स्थिति में खड़ी है। जी पूजा, इस यात्रा का कितना लाभ आप देखते हैं अनिल, चूंकि जनता के बीच में पहुंचना, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है ये भी एक फायदा पहुंचा सकती है बीजेपी को? जी पूजा, जाहिर सी बात है हर कोई मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है, और मुख्यमंत्री जो है जनता के बीच जा रहा है और जनता से पूछ रहा है क्या समस्याएं हैं, उनका आशीर्वाद भी ले रहा है, तो ये आने वाले समय में इसका फायदा तो जरूर मिलेगा। और विकास कार्य हैं जो विकास कार्यों को भी गति निरंतर जो है बढ़ा रहे हैं आगे, और जनता से पूछ भी रहे हैं कि अगर मेरा कार्यकाल आपको पसंद है तो दोबारा मुझे जो है वोट देना, भाजपा को देना, अगर भाजपा की नीतियां अच्छी हैं आपको अच्छा लगा है तो भाजपा को एक बार मौका जरूर दे, ताकि जो विकास कार्य हैं लगातार उनकी गति को बढ़ाया जा सके, और मुख्यमंत्री का भरोसा भी जीत रहे हैं। अदरवाइज जो है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इतना जो भीड़ है वो नज़र ना आती, और जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं जनता का जो है सैलाब उमड़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जगह जगह अपना भाषण भी कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का गला खराब है, फिर भी जोश बरकरार है, क्योंकि केंद्र नेतृत्व का मुख्यमंत्री पर भरोसा और जनता का अभूतपूर्व स्वागत, ये मुख्यमंत्री का उत्साह कहीं ना कहीं लगातार बढ़ाता जा रहा है, और इसका फायदा जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। अच्छी पूजा, कुल मिलाकर कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्णिम दौर है। जी बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री जिस तरह आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं, और भाजपा जो है लगातार आगे बढ़ रही है और विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, ये सारी बातें जो है इसका अगर आकलन किया जाए तो भाजपा के पक्ष में जाती है, और भाजपा को उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने नगर निगम चुनाव जीते हैं, जींद उपचुनाव जीता है, लोकसभा चुनाव जीता है, इसी तरह वो हरियाणा विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे, इस भरोसे के साथ जो है भाजपा आगे बढ़ रही है, और मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा से लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं और उनको प्रार्थना भी कर रहे हैं कि अगर मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं अगर आपको पसंद आए हैं तो भाजपा को अवश्य वोट दीजिए। चलिए शुक्रिया आपका अनिल कुमार, आप लगातार अपडेट दीजिएगा, शुक्रिया इस खबर के लिए। बारवा दिन आज जन आशीर्वाद यात्रा का।